जय हिंद फ्रेंड्स सो होप यू ऑल आर वेल एंड गुड नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द द द एक्सपेक्टेड मे मे वी सी इन एग्जाम एग्जामी वन कुछ क्वेश्चन देखते हैं डिस्कस करते हैं उनके आंसर्स को और मेरा मेरा पैटर्न ये रहेगा कि मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके अंदर मिल जाएगी तो

सभा फाउंडेड इन ये ये ध्यान रखना। फैक्ट मैं सारे जो आपके अंडरलाइन करता जाऊंगा। फिलोसोफिकल टॉपिक्स फिलोसल टॉपिक्स पे डिबेट डिस्कशन होती थी और दे ऑल्सो यूज टू प्रमोट फ्री एंड कलेक्टिव थिंकिंग एंड सोशल रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की थी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नेक्स्ट द फाउंडेशन ऑफ द आत्मयी फिफ्टीन इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्निजन कोलका रीजन ठीक है तो सबसे पहले जो रिफॉर्मिस्ट जो हमारे पास रिफॉर्म के लिए आए थे वो राजा राम मोहन रॉय आए थे एनीवेज नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग आइटम विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया इन द एटींथ सेंचुरी कि सेंचुरी पूछ हमसे उसने पहले दिया है कॉटन कॉटन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल सिल्क, राइस, शुगर ये दिया तो cotton, भी एक्सपोर्ट करते थे हम और ट्रेड एंड कॉमर्स रॉ सिल्क में भी हम करते थे ट्रेडिंग राइस में भी शुगर अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट इट ट्रेड इंडस्ट्री ऑफ एटीन सेंचुरी ऑफ इंडिया हम देखते हैं Now, है क्या था कि हम जो पहले जो हमारे पास इंडस्ट्री थी हमारी या इंडिया वॉज एक्चुअली सेल्फ सफिशियंट सेल्फ कि जो एक, एक विलेज के अंदर ही हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाया करती थी ठीक है तो सेल्फ सफिशियंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में टर्म्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के टर्म्स में हम सेल्फ सफिशियंट थे और हम इम्पोर्ट कोई ज्यादा स्केल पे नहीं किया करते थे इस कारण से बिकॉज हम सेल्फ सफिशियंट थे हमारी सारी नीड्स इंडिया के अंदर ही पूरी हो जाया करती थी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर गुड्स ऑफ इंडिया वर इन गुड डिमांड इन फॉरन मार्केट ऑन दी अदर था मार्केट्स में हमारे जो गुड्स थे उनकी डिमांड काफी अच्छी थी अगर डिमांड अच्छी थी तो इसका मतलब तो हम बाकी सारा सामान एक्सपोर्ट करके क्या इम्पोर्ट करते थे इंडिया वॉज सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ठीक है आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट फॉर इंडिया इम्पोर्ट हम क्या करते थे पर्शियन गल्फ से वी यूज्ड टू तो इंपोर्ट पर्ल्स गूल ड्राइड फ्रूट्स एंड रोज वाटर ये थोड़ा बहुत आइडिया रखना ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट इज हमारे पास अरेबिया से कॉफी गोल्ड ड्रग्स एंड हनी चाइना से जो फेमस है जिस चीज के लिए टी शुगर पोर्सलिन एंड सिल्क यूरोप से वॉलन क्लूथ वॉलन क्लोथ सॉरी कॉपर आयरन लेड एंड पेपर अब एक्सपोर्ट हम क्या क्या करते थे देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स रॉ सिल्क सिल्क फैब्रिक्स हार्डवेयर इंडिगो स्पाइसेस हैं हमारे पास सॉल्ट पेटर है ओपीएम राइस व्हीट शुगर पेपर प्रीशियस स्टोन्स एंड ड्रग्स सॉरी ड्रग्स ठीक है तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय हमारे ऑब्जेक्टिव क्या, क्या होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जब ये बनाने जा रहे हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं तो हम किस क्या पैटर्न क्या होगा हमारा पाथ क्या होगा वो सब कुछ हमारे किस बेसिस पर बनाएंगे कैसा होना चाहिए इंडिया कैसा नहीं होना चाहिए तो इट वॉज एन ऑब्जेक्टिव कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मेन मोटिव क्या है वो था इसके अंदर एंड यही पार्ट बाद में जाके हमारे पास क्या बन गया था आपका वाला पार्ट बन गया था है ना सो द प्रियम्बल्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है इंट्रोड्यूस्ड बाय द सॉरी इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ही इंट्रोड्यूस दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन थर्टीन फोर्टी सिक्स

डाउन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच लेटर बिकेम द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट स्प्लिट इन टू इट्स सूरत इन इट सूरत सेशन तो ये सूरत सेशन में स्प्लिट किन किन में हुआ था सबसे पहले यह देखते हैं ये स्प्लिट हुआ था हमारा मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में

महात्मा गांधी नवसारी स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट अब देखते हैं इसके हमारे हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है कहता है कि महात्मा गांधी लॉन्च अ सिविल डिस मूवमेंट इन विच ही डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए सिविल डिसबीडियस मूवमेंट चलाई थी सॉल्ट लॉ भी ये, कभी कभी क्वेश्चन कि लॉ ही क्यों ब्रेक करने की बात की थी हमने और भी बहाने हो सकते थे और भी बहुत कुछ था तो इसलिए बिकॉज अ बेसिक बेसिक थिंग थिंग मतलब बहुत ही ज्यादा है कि जो आ, हर हाई क्लास भी यूज करता था लो क्लास भी यूज करता था एक्चुअली महात्मा गांधी चाहते थे कि आ, सारी ऑल जो सारी की सारी क्लासेस है मिडिल क्लास लोअर क्लास सब लोग इस मूवमेंट में जुड़े तो इस मूवमेंट में जुड़ने के लिए उन्होंने एक बेसिक चीज जो सबके काम की होती है उसको चुना था इन्होंने है ना अलोंग विद 78 फॉलोअर्स डिसाइडेड टू मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी विलेज इन नवसारी ऑन मार्च 12 जर्नी ऑफ टू हंड्रेड फोर्टी माइल्स इन 24 डेज एंड रिच डांडी ऑन अप्रैल 5 1930 ऑन अप्रैल 6 महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ ही वाज अरेस्टेड ऑन मे 5 1950

एंड यूरप टिल द एंड ऑफ सेप्टर एंड सप्टेंबर के एंड तक ये क्या होगा कि ये जो हमारे पास आई एन एसर है ये अफ्रीका और यूरोप के काफी सारे पोर्ट्स पर विजिट करेगी ठीक है पोर्ट विजिटर टबर विल कंडक्ट प्रोफेशनल सोशल एंड स्पोर्टिंग इंटरक्शन इस तरह के वो काम करेगी द शिफो पार्टिसिपेट इन जॉइंट एक्सरसाइज विद फ्रेंडली चलो फ्रांस कंडक्टेड इट्स फर्स्ट स्पेस फर्स्ट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज देखो सर देखो गाइस ये सब ये नया है अब ये ये इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज अपनी सैटेलाइट्स को बचाने के लिए ये भी अब हम स्पेस में भी फाइट आने वाले टाइम में हो सकता है कि नॉर्मली अभी लैंड पे फाइट होती है फिर आगे सिर्फ मशीन से या मैं कह सकता हूँ गैजेट्स के थ्रू या सेटेलाइट के थ्रू इन इनके कारण ये स्पेस मिलिट्री के कारण क्या होगा कि सिर्फ स्पेस में लड़ाई हुआ करेगी तो इट माइट बी पॉसिबल इंडिया फ्रांस कंडक्टेड इज फर्स्ट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज टू टेस्ट इज एबिलिटी टू डिफेंड इट सैटेलाइट वॉट इज द एक्सरसाइज तो देखते हैं हमारे पास क्या है इट इज एस्टर ये तो हमने पढ़ लिया रखना द एम ऑफ द एक्सरसाइज a potentially dangerous space object वेल ज थ्रेट टू इज ऑन सैटेलाइट फ्रॉम अनदर फॉरन पावर प्रोसेसिंग अपनी सैटेलाइट को बचाने के लिए और ज्यादातर थ्रेट था जो उनकी सेटेलाइट को उनको बचाने के लिए ये भी एक नई तरह की वॉर शुरू हो सकती है एनी वेज वर्तक ब्राह्म और उदायक आर रिलेटेड टू दिस इज रिलेटेड टू बी आर ओ प्रोजेक्ट है ना तो हमारे पास क्या है इसके बारे में Uh, हमारे पास है कि uh, रक्षा मंत्री जो हमारे पास श्री राजनाथ सिंह है मतलब हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर जो श्री राजनाथ सिंह है, uh, uh, है? बारह रोड्स बनाने के बिल्ट बाय बीआरओ इन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ ऑन जून सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम द रक्षा मंत्री इ इनोग्रेटेड आपका ट्वेंटी किलोमीटर लॉन्ग डबल लेन किम पोटिन रोड अलॉन्ग अदर रोड इन अरुणाचल प्रदेश एंड वन ईच ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर क्या बोल रहा है कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में और जो हमारे श्रीनाजा सिंह हैं उन्होंने 20 किलोमीटर डबल लेन डबल लेन बनी थी किमिन रोड ये दोनों जगह का नाम है नाइन विदर एक ये डबल लेन रोड और नाइन दूसरी रोड अरुणाचल प्रदेश के अंदर और एक रोड लद्दाख के अंदर और एक रोड हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर तो द अंडर ये ये नाम है अरुणांक और वर्तक ब्राह्म उदायक हिमांक संपर्क आर द प्रोजेक्ट ऑफ बी आर ओ रोड्स आर पार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये न्यूज में अब काफी काफी बार देखने को मिल जाता होता है हमने वेस्ट की तरफ काफी ध्यान दे लिया ना लेट्स फोकस ऑन द ईस्ट ईस्ट तो ये एक्ट पॉलिसी ये बोलती है ऑफ द गवर्नमेंट वेयर स्पेशल इज लेड ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरिया बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट के लिए क्या फायदा होगा सर इसका अच्छा इसका फायदा क्या होगा कि अगर हम डेवलपमेंट एरियाज में सॉरी uh, बॉर्डर वाले एरियाज में अगर हम डेवलपमेंट करेंगे फर्स्ट इज द मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स

लॉन्च वर्जन सॉरी हेली इज द हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ विच ऑफ दिसम्स ठीक है हम जानते हैं ना? सिर्फ आंसर जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है तो द ज्वाइंट यूजर ट्रायल्स फॉर द हेलीकॉप्टर जॉइंट यूजर ट्रायल्स फॉर देलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ द नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलीना एंड इट्स एयरफोर्स वेरियंट ध्रुवस्त्र उट फ्रॉम एडवास लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म इन डेजर्ट रेंजेस आपके लिए इतना कुछ जानना इतना कुछ याद करना जरूरी नहीं है नाग वाला पार्ट हेलिना का नाम याद रखना और एक ध्रुवस्त्र याद रखना ठीक है हेलिजा हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ द नाग मिसाइल सिस्टम बता दिया है ये इज अ थर्ड जनरेशन लॉक ऑन बिफोर लॉन्च फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटीटैंक गाइडेड मिसाइल अ

A direct sea trade links with Mesopotamia because of finding of an Iranian seal from there. Next, an important material foundings at Harappa include pottery, chert blades, copper, or bronze implements, terracotta figurines, seal, sealing seals, and sealing weights, etc. The bronze dancing girl is found in Mohanjadaro. This uh, अपार्ट द टू रोज ऑफ ग्रीनरीज़ विथ ब्रिक्थफॉर्म्स में और क्या है मतलब एक डांसिंग गर्ल मिल जाएगी हमें ग्रेट बात हो जाएगा मोहनजदारों में और उसके बाद ब्रिक के प्लेटफॉर्म मिलेंगे और एक सिटाडल मिलेगा ऑन एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म ठीक है तो सुर कोटडा इज लोकेटेड इन द सुर की अगर बात करें तो इट लोकेट इन द बुज एरिया ऑफ गुजरात प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द फर्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ दॉर्स ठीक है

कल्चर से है ना कल्चर से एनीवेज ही इंट्रोड्यूस्ड टू कॉइन्स ऑफ द सल्तनेत द सिल्वर दंका एंड द कॉपर दिटल ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द इक्तेदारी सिस्टम इन विच द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू इक्तास विच वर असाइंड टू नोबल्स इन एक्सचेंज फॉर अ सैलरी तो ये इक्तेदारी सिस्टम तो आपने पढ़ा ही होगा कि क्या होता है ना इक्तास में डिवाइड कर देते हैं और उसको इकतादारी सिस्टम कहते हैं फिर वहीं से मतलब एक जैसे आप कंट्री को स्टेट में डिवाइड कर देते हैं। वैसे उन्होंने अपने किंगडम को या अपने जो भी रीजन था उनको इकताज में डिवाइड कर दिया था नाउ व्हाट वाज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड अस्थमा डे 2021 सो द थीम वाज़ अनकवरिंग अस्थमा देखते हैं इसके बारे में हमारे पास और इन्फॉर्मेशन क्या है वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ मे दिस ईयर इट फॉल्स ऑन मे फोर It fell on sorry this year. It fell on. Uh, it is an annual event organized by the Global Initiative for Asthma that is GINA in collaboration with healthcare groups and asthma educators to spread awareness and care around the world. The world uh, sorry the theme for asthma 2021 is uncovering asthma misconceptions. The first asthma day was celebrated in 1998 in more than 30.

डैश इज इज अ वेलफेयर स्कीम स्टार्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन बिलो पॉवर्टी कैटेगरी बहुत आंसर है तो हमने बहुत बार पढ़ भी लिया काफी बोर्ड होर्डिंग्स भी लगे हुए काफी एडवर्टिजमेंट uh, भी हुई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अवेयरनेस को लेकर uh, मतलब काफी होर्डिंग्स वगैरह लगाए अवेयरनेस को एनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज अ वेलफेयर स्कीम स्टार्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शंस टू डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स दैट फॉल अंडर द बिलो द पॉवर्टी लाइन कैटेगरी इन दिस हाउएवर द प्रेफरेंस इज गिवन टू एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दिस मेजर विल एम्पावर वुमेन प्रोटेक्ट देयर हेल्थ एंड विल रिड्यूस डजरी मींस इतना सामान उठाकर uh, चलना और सारा है ना धोना है ना वो वाला एंड टाइम स्पेंड ऑन कुकिंग जो वो इतना ढोकर लाते हैं समान लकड़े वगैरह जो होती है ना वुड वगैरह जलाने के लिए एनी वेज तो इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल यूथ इन द सप्लाई ऑफ द चेन ऑफ द कुकिंग गैस ठीक है सो so, अभी हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर